दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। चल रहा 22 मार्च से लेके, क्या परेशानी रही आपको जब से? सब परेशानी ये है, राशन की दुकान जाते हैं तो राशन वाला कहता है कि आपका खाद्य सुरक्षा में कभी नाम है या कभी लिया है क्या, और पार्षद हमारा भार का है, वार्ड है ये 43-44 से वार्ड रखा है, और पार्षद को क्या परेशानी आ रही है? सर राशन के जाते हैं तो राशन वाला कहता है कि आपका मजदूर कार्ड बना हुआ है, ये राशन चालू हुआ है कभी? ऑनलाइन कराओ। और ये परेशानी अभी तक कुछ भी सुविधा नहीं मिली है, और वार्ड दो दो हैं और दोनों पार्षद भार के हैं, कोई सुनवाई नहीं दोनों पार्षद के अलावा। कौन कौन पार्षद है आपके? एक तो है संतोष मौर्य, एक लाला बना। अच्छा, क्या दोनों पार्षद के भी आए यहाँ पे? अभी तक तो लॉकडाउन के अंदर अभी तक नहीं आए। क्यों ऐसा क्यों, क्या पता क्या है? 22 तारीख से लॉकडाउन चल रहा है और आम जनता कितने लगभग घर हो गए आपके यहाँ पे? कम से कम 150 घर होंगे जिनको कोई सुविधा नहीं मिली है। 150 घरों में दोनों पार्षद ने खाना अभी तक भी पहुँचाया? सर पहुँचाया हो तो अपने अपने को दिया हो, हमारे तक तो अभी ऐसे हैं जिनको कोई सुविधा नहीं मिली। क्या नाम है पार्षदों के आपके दोनों? एक लाला बना है और एक संतोष मौर्य। कहाँ पर दोनों वार्ड कौन कौन से? एक 44 और एक 43 है। कौन सी जगह है ये? पाल बिछला है। आपका नाम? राजेश सैनी। क्या परेशानी हो रही है? नमस्कार, मेरा नाम पवन शर्मा है, मैं इस वार्ड का नागरिक हूँ। यहाँ पर क्या है, ये 150 नाम हैं जिनका राशन कार्ड से नाम, ये कह के उनको मना कर दिया गया, राशन सामग्री नहीं दी गई है कि तुम्हारा राशन कार्ड बंद हो गया है, और खाद्य सामग्री जो सरकार की द्वारा बांटी गई थी वो इनमें से किसी को कुछ भी नहीं मिला है, और वो पर्सनल प्रॉपर्टी पे बांटी गई है, और वो उन लोगों को बांटी गई है जो पर्सनल है, और जो खास मिलने वाले हैं, और कईयों को 5-5 गट्टे मिले हैं, कईयों को कितने गट्टे मिले हैं, पर इन बेचारों को कुछ भी नहीं मिला है। क्या मानते हो राशन दुकानदार या धांधलेबाजी कर रहा है? ये धांधलेबाजी चल रही है, और प्रशासन से मांग है, हमारी प्रशासन से ये मांग है कि वो इन लोगों गरीबों की सुने जो रोड पे निकल के आ गए, और ये अभी जुलूस लेके जा रहा था, इनको मैंने रोका है। ये लोग बहुत परेशान है और पेट से दुखी है भाई साहब। कौन सी राशन की दुकान है जो धांधलेबाजी कर रहा है? राशन की दुकान नहीं हो रही है, राशन की दुकान से नहीं हो रही है ये धांधलेबाजी हो रही है कि प्रशासन से। ये धांधलेबाजी जो चल रही है वो उनके द्वारा चल रही है जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो बिल्कुल भी वाजिब लोगों को कुछ नहीं बांट रहे हैं, वो उनको बांट रहे हैं जो उनके प्रचारक हैं, उनको सहयोग करने वाले हैं, ये वो लोग हैं जो पेट भरे हुए हैं, इनमें से जो भूखे हैं वो बेचारे घूम रहे हैं, और उनको पुलिस डंडा मारती है, उन बेचारों को घर में भेज देती है, और यहाँ के नागरिक, यहाँ के रोड के, यहाँ के वार्ड के वासी ऐसे हैं कि वो इस पूरी सरकार का सहयोग कर रहे हैं, इस लॉकडाउन का सहयोग कर रहे हैं, ये वो लोग पूरी जीरो मोबिलिटी कर्फ्यू का सहयोग कर रहे हैं, और आज निकले हैं ये, जब ये कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र से मुक्त कर दिया गया है वार्ड, नहीं तो ये बेचारे घर में रो रहे थे। लॉकडाउन चल रहा है जब से, उनको सामग्री नहीं मिली, इन बेचारों को नहीं मिली, याद ये जा रहे थे, आप तो ये खड़े रहो, आप बताओ इन लोगों को कोई सामग्री नहीं मिली है, ये पूरी लिस्ट है, मैं कलेक्टर साहब के समक्ष ये ज्ञापन देने जा रहा हूँ कि इन लोगों को बेचारों को सामग्री दी जाए। मुझे माननीय अनीता बदेल जी को मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि कितने जनों को नहीं मिली, मैंने कहा साहब 150 जनों की लिस्ट तो मेरे पास है, बोले पवन जी 150 जनों का नाम लिख के मुझे भेजो, हम लोग बांटेंगे, इन सबको बांटेंगे, गाड़ी जाएगी। और मैंने DSO साहब नीरज जी जैन को फ़ोन करा। यहाँ के पार्षद कौन है? यहाँ के पार्षद हमारे सुरेंद्र सिंह जी शेखावत लाला बना है। उनको आपने कभी कहा? उनको भी हमने कहा, तो कल हम गए थे तोपदड़ा स्कूल में गए थे तो लाला बना ने भी हमको आश्वासन दिया कि अगर तुमको नहीं बटाए तो मैं पर्सनल बांटूंगा, पर हम क्या करें, इन लोगों का राशन कार्ड भी बंद है, DSO साहब ने कहा कल मैं राशन कार्ड चालू कर दूंगा, आज उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है, गौरव जी पाठक ने कहा है आप मुझे लिस्ट देना मैं उन सबको बांटूंगा। ये वार्ड नंबर 43-44 है, ये बहन भाइयों का बंटवारा है वार्ड का। आपका नाम? मेरा नाम पवन। नहीं, जैसे कि आपके माध्यम से मुझे पता चला है कि आज वार्ड नंबर 43-44 की सीमा पर किसी कुछ लोगों ने शिकायत करी थी कि उनको राशन सामग्री वितरण नहीं हुई, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आज पूरे 60 वार्डों के अंदर सभी पार्षद पूरे पुरजोर से काम कर रहे हैं, और सबके पास ये डाटा है कि किसके घर में सर्वे राशन की ज़रूरत है और किसको नहीं है, और जो ये लोग ब्लेम कर रहे हैं तो उन्होंने या तो लाभार्थी होंगे किसी से,
क्योंकि अभी तक मैंने जो आपने मुझे वो जगह नहीं बताई, मेरा पूरे वार्ड का सर्वे करा हुआ है, यहाँ जितने भी जनों को राशन नहीं मिला है उन लोगों को हमारे पास लिस्टेड है, ये रसीद है, हमारी पूरी डायरी बनी हुई है। आप इसके द्वारा मैं बता सकती हूँ कि इसके माध्यम से कि कौन से घर के अंदर राशन पहुँचा के नहीं पहुँचा है। ये जो भी कर रहे हैं वो कोई निजी स्वार्थ के अंतर्गत ये कार्रवाई कर रहे हैं। उनको समझ नहीं है कि इतनी बड़ी आपदा जो विश्व के अंदर आई है उसके साथ भारत में ही है। धारा 188 के तहत अगर अनाहुति भी किसी की मांग करता है तो उसको सजा हो सकती है। और इन सबको ऐसा कोई भी परिवार मेरे द्वारा वंचित नहीं रहा है। और अगर किसी के खत्म हो रहा वो मुझसे संपर्क करा, हम उसकी व्यवस्था करा रहे हैं। लेकिन मैं पब्लिक को समझाना चाह रही हूँ, इस तरीके से लॉकडाउन का मजाक मत बनाइए, मत निकलिए किसी का। ये जरूरतमंद जो है उनके लिए अनाज सरकार प्रोवाइड करा रही है, जरूरतमंद जो है उन्हीं को मिलने दीजिए। और अगर जरूरतमंद है तो इस तरह के सड़कों पर नहीं उतरे, उसको पार्षद संपर्क करे, वो करा रहे। आपके जो वासी है पार्ट वहाँ के, वहाँ मस्जिद वाले वही कह रहे हैं कि हमारे वार्ड में 43-44 वार्ड है, इसमें लाला मन्ना और संतोष हो रहे हैं, उन्होंने अभी तक कोई सामग्री नहीं वितरण करी है, ना प्रशासन से आग्रह करा ये मैडम। हाँ, अभी भी जस्ट 6 दिन पहले वहाँ पर DSO की टीम गई थी, वहाँ 6 जनों ने शाही मस्जिद के पास ही आवेदन करा था। वहाँ टीम जैसे ही पहुँची उन्होंने मना कर दिया कि हमें तो राशन नहीं चाहिए, हमारे घर पर राशन है। और मौजूदा वीडियो है DSO के पास में, DSO की जो टीम है उनके पास में उनके भरे हुए सामान मिले हैं उनके पास में किचन के अंदर। और उसके अलावा भी हमने जस्ट 3 दिन पहले ही नगर निगम से सुकट्टे वितरण करे, वो पूरी लिस्टेड हमारे पास में है इस डायरी में पूरे वार्ड की। और कल 43 नंबर वार्ड के अंदर बांटा गया लाला बना जी की तरफ से। 43-44 वार्ड के जो है वासी वो लाला बना रात पे आरोप लगाए कि मैडम आरोप गलत है, सही है? ये बिल्कुल आरोप निराधार है। 43-44 में बराबर राशन वितरण की सामग्री चल रही है, कोई परिवार ऐसा वंचित नहीं है। अगर कोई जानबूझ के इसमें घटना कर रहे हैं तो उनको समझना चाहिए ये इस तरह की घटना इस समय नहीं करनी चाहिए। सभी BJP हो या कांग्रेस का पार्षद हो, दावे के साथ मैं कह सकती हूँ वह पूरा पुरजोर इस पर काम कर रहा और सबके पास रिकॉर्ड है। और अगर इस तरीके की कोई कार्रवाई करिए हम उनके घर जाएंगे, और अगर वो गलत पाए गए तो हम मीडिया को ही कहेंगे कि आप इसका कवरेज कीजिए, क्योंकि पूर्व में भी ये घटना मेरे वार्ड में करी गई थी और उसका प्रूफ मैंने दिया, मेरा पक्ष सुन के नहीं गई थी मीडिया में। ऐसे इनके पास कुछ मिलेगा, इन पे कार्रवाई की जाएगी आगे? हाँ बिल्कुल, मैं करूँगी, मैं जाऊँगी अगर जिस भी व्यक्ति ने, क्योंकि अभी मुझे उस व्यक्ति का नाम नहीं पता चला। मैं दावे के साथ कह रही हूँ कि पूरे वार्ड के अंदर मैंने सर्वे करा था, मेरी ये जो डायरी है इसी लॉकडाउन की स्पेशल बनी हुई है, इसमें पूरा सर्वे मेरे पूरे वार्ड का, ऐसा कोई परिवार मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वंचित नहीं रहा। और जिसके खत्म हो रहा है वो मुझसे संपर्क करें, हम भामाशो के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, MLA कोटे के माध्यम से और पार्षद फंड से हम उनकी व्यवस्था करा रहे हैं। जैसे भी संतोष मौर्य, वार्ड नंबर 44 से पार्षद।